न्यूज वॉल पर आपको पूरी खबर में दिखाने जा रहा हूं कि रूस ने क्यों आखिरकार बॉस्निया को चेतावनी दी। अब यह समझिए जरा, नेटो की तरफ से बॉस्निया की तरफ झुकाव किया गया, नेटो का मेंबर बनने की तरफ बॉस्निया लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉस्निया में रूसी राजदूत जो मौजूद, उन्होंने बयान दिया कि बॉस्निया किसी ग्रुप का सदस्य बनने के लिए पूरी तरह आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन रूस के विरोधी ग्रुप का अगर मेंबर बनता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सलाह भी है, ये चेतावनी भी है, यानी बायलेटरल टॉक्स के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है, सीधा चेता दिया गया कि अगर आप जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन रूस के खिलाफ जो ग्रुप है अगर वहां बॉस्निया जाता है तो रूस कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन बॉस्निया के खिलाफ रूस की रणनीति को समझने के लिए बॉस्निया का इतिहास आपको समझना होगा। इस देश का पूरा नाम क्या है? बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना। दक्षिण पूर्व यूरोप का एक हिस्सा है बॉस्निया, युगोस्लाविया का बॉस्निया पहले हिस्सा रह चुका है। 1992 में युगोस्लाविया का जब विघटन हुआ उसके बाद अलग हुआ, 1 मार्च 1992 बॉस्निया को आजादी मिली, अलग देश रहा। 1992 से 95 में हिंसा का एक लंबा दौर चला, 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध के दौरान मारे गए। मुख्यतः वहां पर 3 जातीय समूह हैं, बॉस्नियाई हैं, सर्बियाई हैं और क्रोएशियाई। बॉस्निया के सर्बियाई विद्रोहियों को रूस का समर्थन है और शायद इसी वजह से रूस लगातार बॉस्निया को ललकार रहा है कि अगर तुम नेटो के साथ गए तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे, संभवतः जो क्रोएशियाई हैं उनको वापस सपोर्ट तेज कर दिया जाए। ये भौगोलिक परिस्थिति बताने के बाद आपको जरा मैं नक्शा दिखाता हूं कि कौन कौन से देश इस वक्त नेटो में शामिल हैं। उसमें बेल्जियम शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, डेनमार्क शामिल है, फ्रांस शामिल है, आयरलैंड शामिल है, इटली शामिल है, लग्जमबर्ग शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, नॉर्वे से लेकर पुर्तगाल, यूके, यूएसए, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, ये तमाम देशों की लिस्ट है जो कि इस वक्त नेटो में शामिल है। और नेटो के सदस्य देशों की पूरी लिस्ट मैप के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा आप ये समझिए कि नेटो का सदस्य बनने वाले देशों को क्या फायदा मिलता है, क्यों नेटो के सदस्य मिलते हैं, नेटो क्या है, जरा आप थोड़ी सा बैकग्राउंड समझिए। 1949 में नेटो का गठन किया गया, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो में इस वक्त 30 देश ऐसे हैं जो कि इसके सदस्य हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है और संगठन पर नेटो सदस्य देशों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर किसी भी एक भी नेटो देश पर कोई हमला होता है तो सभी नेटो सदस्य के मिल करके उसका जवाब देते हैं। नेटो की अपनी कोई सेना नहीं है, ऐसा नहीं कि नेटो की अपनी कोई सेना हो, लेकिन सभी सदस्यों की, सभी जो सदस्य है उन देशों की सेना इसमें योगदान देती है। यूएसए, यानी मैं बताता हूं आपको, ये रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है जहां से पुतिन लगातार अपना आदेश जारी करते हैं। इधर नीचे आइए, रूस के ठीक नीचे आइए, बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो है वो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है जो कि यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आता है। अब इसके ठीक ऊपर आप निगाह ले जाइए, सामने एस्टोनिया है जो कि यूरोप के उत्तरी हिस्से में आता है, दक्षिण पूर्वी से लेकर के उत्तरी हिस्से तक पूरा जो बीच का पूरा इलाका है वहां रूस ने अपने संदेश भेजने शुरू कर दिए। अब आप देखिए मॉस्को ने एक तरीके से पूरे यूरोप को घेरा है क्योंकि पहले से यूक्रेन के बड़े हिस्से में रूस कब्जा कर चुका है और अब यूरोप के दोनों देशों को चेताते हुए जो मॉस्को है अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन पर यूरोपीय स्पाई एजेंसी ने एक दावा किया और दावा यह कि रूस का गोला बारूद अब खत्म होने के कगार पर है। रूस को हथियारों की कमी नहीं है लेकिन हालांकि खबर यह भी आ रही कि ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और रूस की जीत से लड़ाई पुतिन वर्सेस अब नेटो बन जाएगी, एजेंसी का दावा यह भी है। लेकिन इसी बीच बताऊं आपको कि पुतिन की ताकत को लेकर यूरोप के दो अलग अलग देशों की स्पाई एजेंसी ने दावे किए। वो दावे क्या क्या है आप देखिए जरा, जो कि ब्रिटिश MI6 एजेंसी जो है वो कह रहा है कि रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक और एजेंसी है वो दावा क्या करी, वो है एस्टोनिया एजेंसी, उसका दावा है कि पुतिन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यानी दो एजेंसीज है जो कि दावा कर रही है जिनके दोनों के दावे एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। MI6 कह रहा है कि रूस का जो गोला बारूद का भंडार है वो खाली हो रहा है, तो वही एस्टोनिया एजेंसी कह रही है कि बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की को मजबूर होना होगा क्योंकि रूस के पास हथियार बिल्कुल मुफीद है, हथियारों का जखीरा रूस के पास मौजूद है।
तो वहीं MI6 कह रहा है कि यूक्रेन में पुतिन को हार मिल सकती है, जो इस वक्त पुतिन के हालात चल रहे हैं, रूस के हालात चल रहे हैं। तो एस्टोनिया एजेंसी कहती है कि रूस की जीत से लड़ाई पुतिन वर्सेस नेटो होनी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुतिन अपना आक्रामक रुख लगातार अपनाए हुए हैं। ये दो एजेंसी, ब्रिटिश MI6 और एस्टोनिया एजेंसी, दोनों एजेंसी अपने अपने आकलन कर रही है, लेकिन दोनों के आकलन जो है एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी हैं। तो वहीं ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने मदद के लिए ब्रिटेन को धन्यवाद। ब्रिटिश आर्मी में इस टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको ब्रिटिश आर्मी के सबसे प्रमुख आर्टिलरी में रखा जा रहा है। इराक युद्ध में इसी टैंक का इस्तेमाल किया गया था और एक गेम चेंजर की भूमिका इसी टैंक ने इराक युद्ध में निभाई थी। उसके अलावा इसमें एक गन है जो कि 120 mm की है और दूसरी जो दो और मशीन गन है वो 7.62 mm की है। ये 7.62 mm यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली गन। टैंक में चार जवान एक साथ रह सकते हैं जो कि मशीन गन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, एक जवान बैकअप में और उसके बाद टैंक को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर इस टैंक में अलग रह सकते हैं। तीन मशीन गन, चार जवान, उसके बाद टैंक को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर अलग से। टैंक की जो टॉप स्पीड है वो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, चाहे जमीन उबड़ खाबड़ हो या कैसी भी हो। 60 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से टैंक दौड़ सकता है, जो कि युद्ध भूमि में बहुत मारक स्पीड मानी जाती है। बहरहाल चैलेंजर टैंक के बाद रुख अगली बड़ी खबर का युद्ध भूमि से, जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रही महाजंग के बीच पुतिन दुनिया के सामने अब तक का सबसे खतरनाक और पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सामने लेकर आए। रूस के लड़ाकू विमान का नाम है SU-75 चेकमेट। नाम बता रहा है कि अपने आप में कितना खतरनाक। शतरंज के खेल में चेकमेट का इस्तेमाल तब किया जाता है, शब्द का इस्तेमाल, जबकि आपको तक का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकती है, जो कि हवा से हवा, जमीन से और समुद्र में एक साथ 6 ठिकाने तबाह कर सकता है। दरअसल SU-75 ने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया बल्कि अमेरिका भी रूस के लड़ाकू विमान से परेशान है, क्योंकि अमेरिका भी इस लड़ाकू विमान की जद में है। और कैसे है समझिए जरा। SU-75 की चेकमेट की ताकत समझिए। स्टेल्थ में ये रडार पर दिखाई नहीं पड़ता है। R-73 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लेस है, KH-59 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से ये लेस है। लगभग 7.5 टन हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। छोटे से रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, किसी बड़ी जगह की जरूरत नहीं, यानी युद्ध भूमि के लिए सबसे मुफी। हवा हो, जमीन हो या समुद्र हो, हर जगह एक साथ सटीक हमला कर सकता है और एक साथ 6 टारगेट हिट कर सकता है, चाहे वो टारगेट हवा में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे समुद्र के अंदर हो, चाहे तीनों जगह एक साथ हो, एक साथ 6 टारगेट हिट कर सकता है। ड्रोन्स को लॉन्च करने की क्षमता है। 54,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को पहचान सकता है, खत्म कर सकता है और 2.2 Mach की स्पीड पर ये उड़ान भर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज की तारीख में युद्ध में गेम चेंजर साबित होती है, उस तकनीक से ये SU-75 जो कि रूस की तरफ से सबसे पहले दुबई एयर शो में लॉन्च किया गया था, अब उसका टेस्ट रन चल रहा है और टेस्ट रन सफल होते ही बहुत कम वक्त में ये युद्ध के मैदान में दुश्मन को तबाह करते हुए दिखाई पड़ेगा। अब बताता हूं मैं आपको कि SU-75 चेकमेट और F-35 में दोनों में किसकी ताकत कितनी। SU-75 चेकमेट जो है उड़ान 2023 में लॉन्च हो सकता है। एक पायलट है, सेना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, वर्टिकल लैंडिंग की कोई जानकारी नहीं है, स्पीड के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन वजन है लगभग 7400 किलो का। SU-75 जो है अभी अपनी टेस्टिंग रन पर है और इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन यह जानकारी जरूर कि अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट हो सकता है। अब F-35 की बात कीजिए। F-35 की 2016 उड़ान में एक पायलट एक बार में रह सकता है, 620 वर्टिकल लैंडिंग कर चुका है, 1.6 Mach की स्पीड है और हथियारों के साथ वजन लगभग 8164 किलोग्राम। ये दोनों का कंपैरिजन हालांकि बहुत प्रीमेच्योर हो सकता है, क्योंकि SU-75 के एग्जैक्ट कैलकुलेशन रूस की तरफ से जारी नहीं की गई, लेकिन नाम और रूस के रुख ने बता दिया कि अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने जा रहा है। अभी तक रूस का सबसे एडवांस फाइटर SU-57 है, जो कि इस वक्त रूस के एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन रूस की मुश्किल यह कि एक भारी भरकम लड़ाकू विमान है जिसकी युद्ध के मैदान में इसकी मारक क्षमता थोड़ी कम, और यह वजह है कि रूस अब SU-57 की जगह SU-75 को जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में उतारने की कोशिश में है।
Meet the new jet that has a new jet. अब आप समझिए कि SU-75 आखिर क्यों SU-57 से बेहतर है। दरअसल SU-57 चेकमेट को उसकी रफ्तार और सटीक हमला सब फाइटर से बेहतर बनाता है। पांचवी पीढ़ी का घातक फाइटर है, सिंगल इंजन लाइटवेट विमान है, 57 फीट लंबा है और 39 फीट चौड़ा है, रफ्तार है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान रेंज करीब 2800 किलोमीटर, हथियारों के साथ वजन लगभग 7400 किलोग्राम, ये इसकी मारक क्षमता है।